कुछ चारा वगैरह जानवर खा लेंदे ने और अक्सर चारा जानवरां दे पैरां थले उन्हां दा पेशाब उस चारे दे उपर यानी कि वह जरा चारा है वह गंदम है जरा बीज बोझिया है अज वह जानवरों के पैरों के थले पेशाब के नाल मिलिया मेट हो रहा। इस तरह ही इंसान की मिसाल है, बड़ी चाहत के नाल इंसान की पैदाइश उसके वालदैन खुशी करते हैं, जवानी है जवानी तो बाद बुढ़ापा है तो बुढ़ापे तो बाद एक सैकड़ मौत तो बाद जड़ा इंतहाई ज्यादा मुतकबर इंसान बड़े माल दौलत जाहो जलाल वाला बड़े बड़े उच्चे ओहदे और मनसब वाला एक मिनट तो बाद चौधरी तो मैयत आलम तो मैयत सेठ तो मैयत मालदार तो मैयत मियाँ साहब तो मैयत एक मिनट के अंदर यदि शनाख्त खत्म हो गई है। एक मिनट के अंदर इनू दुनिया ने मैयत कह दिता या जनाजा कह दिता गया है। मेरे मोहतरम भाईओ आई जिंदगी की हकीकत है, आई जिंदगी की हसीयत है, आई जिंदगी है। सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि ऐ अबू ज़र अगर मेरे कोल उहद पहाड़ जितना भी सदका होए, मेरे कोल उहद पहाड़ जिन्ना सोना होए, उहद पहाड़ 11-12 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, फरमा अगर इन्ना भी अगर सोना होए ना तो मैं 3 दिन ना लगावा सारे का सारा सोना गरीबा मस्कीना च खर्च कर दवा, मैं मुहम्मद नूं दुनिया की मुहब्बत ही कोई नहीं। एक दिन नबी पा नमाज पढ़ाई, आम रूटीन है नबी पा नमाज तो बाद मसले ते बैठ के जिक्र अजकार लोगों के मसायल सुनिया कर दे, सलाम फेरिया बड़ी जल्दी ना उठ के चले गए, फिर वापस आए। यार सुल्ला खैरियत को परेशानी तो नहीं कि तुम सलाम फेर के जल्दी नाल घर गए हो फिर वापस आए हो? फरमा मेरे सहाबा मैं नमाज पढ़ता पिया सा तो नमाज पढ़द्या पढ़द्या ना एक बात बार 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 मेरे जेहन च आ रही थी तो मेरी नमाज वालों तवज्जो हटा रही थी। यार सुल्ला केड़ी बात है? फरमा मैं मुहम्मद के कारण थोड़ा जा सोना पिया सी ते मैनू वो सोने ने बार बार नमाज तो गाफल किया है, ये हो ही नहीं सकता मुहम्मद का घर होए मान होए। फरमाया मैं उस सोने नु चुक के सदका भी कर आया। लो जी आ जिंदगी जे आई असीयत जे वो जी अजवाज वाला वाकया अजवाज ने मुतालबा माल का किया, नबी पाक ने फरमाया नबी के घर अंदर माल का मुतालबा होना ये तो नबी की तबत नबी पाक जो उम्मत की अजवाज की बनात की असहाब की तरबीयत कर रहे ने ये तरबीयत के खिलाफ है। फरमाया मेरे सहाबा जिंदगी इस तरह गुजारो जिमें एक राहगीर मुसाफिर गुजारदा जिमें सफर करके लाहौर जाना चलता जा रहा, अगर कितने रुकिया भी है सिर्फ पेशाब वास्ते, अगर कितने रुकिया भी है सिर्फ पानी पीने वास्ते, अगर कितने रुकिया भी है अपनी गाड़ी नूं मरम्मत दुरुस्त कराने वास्ते, इहदा रस्ते अंदर रुकना मंजिल नहीं, इहदी मंजिल लाहौर है। फरमाया दुनिया ते आए हो तुहाडी मंजिल दुनिया नहीं बल्कि तुहाडी मंजिल इस दुनिया के रस्ते के जरिए आखरत ही मंजर है, जिहड़ी मंजर जिहड़ा टिकाना जिहड़ी जिंदगी हमेशा वास्ते हमेशा रहने वाली है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया एक बंदे नूं ना दुनिया ते जिन्हों सब नालों ज्यादा उम्र मिली है, हुण इत्थे मुहद्दिसीन ने लिखिया इहदी उम्र 1600-1700 साल इस बंदे दी, ते क्यामत दा दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ना इहनूं पुछेगा कि आ जिहड़ी दुनिया च इन्नी लंबी जिंदगी गुजार के आया 1600-1700 साल, ये दस ओ जिंदगी बेहतर है या आ जिंदगी बेहतर है? और दुनिया च किन्ना क वक्त गुजार के आया, कम लबिस्ता किन्ना क दिन कितना क वक्त गुजार के आया? तो जो आखिरत की जिंदगी वेखेगा ना कहेगा अल्लाह जी मैं तो दुनिया के अद्धा या पौना क दिन या एक दिन गुजार के आया, ये तो एडा लंबा दिन है तो मुक्कण वाला ही कोई नहीं।
इहदा मतलब है 16-1700 साल दुनिया ते गुजार के भी क्यामत का दिन जिंदगी वेखेगा तो दुनिया की जिंदगी इनू भुल जाएगी, इनू मामूली नजर आएगी। यही बात अल्लाह ने फरमाया, ओ लोगो अपनी आखरत की फिक्र करो, अपनी मौत की फिक्र करो, अपनी हशर की फिक्र करो, अपनी कबर की फिक्र करो। कित्थे गए ने जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम? कभी सोचा कि अबू अल बशर 90 फुट जिन्हों का कद, इतने बड़े ताकतवर, करोड़ा अरबा मखलूकात का बाप, तलाश करो कित्थे ने? कबर के अंदर है, जे जमीन ते असीं जेरे जमीन हो गए ने। हजरत नूह पैगंबर कित्थे ने? बाल मुफस्सरीन ने लिखिया, हाँ इमाम इब्ने कसीर ने, जनाबे नूह पैगंबर की 1350 साल उम्र है, या एक रिवायत मुताबिक 1700 साल उम्र गुजारी है। दसो 1700 साल या 1350 साल गुजार के दुनिया से नज़र तो नहीं आ रहा, तो जेरे जमीन है। हजरत इब्राहिम पैगंबर कित्थे ने, या हजरत इसहाक कित्थे ने, इस्माइल कित्थे ने, यकूब अलैहिस्सलाम कित्थे ने? और मेरे मोहतरम भाइयो, अल्लाह की कसम, दुनिया के 4 बंदियां ने पूरी दुनिया से हुकूमत की है, जिन्हों की हुकूमत के अंदर सूरज निकलता, हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब होता, बड़ी बड़ी लंबी तो चौड़ी हुकूमत है। अज उन्हें 4 बादशाहों लभो, दुनिया से नहीं मिलेंगे, जेरे जमीन मिलेंगे। ये दुनिया की हकीकत। अज तू आ गया है, कल तेरी वारी है, अगलिया नस्ल आनियाँ। असल दुनिया अ दुनिया मजरा तुल आखिरा, दुनिया आखरत की खेती है। इत्थे आन के बीज बेज, बीज बो नेकियां दा, नमाजां दा, सदके खैरात दा, अपनी फिक्र कर। सारी उम्र लंघ गई है शराबा पी पी के, नहीं बदलिया। सारी उम्र लंघ गई है बेनमाजा अंदर रह रह के, नहीं बदलिया। मेरे मोहतरम भाइयो, जिन्हें फजर की नमाज नहीं पढ़ी, उन्हें कोल केड़ी गरंटी है कि उन्होंने दिन भी मुकम्मल होना है कि नहीं? उन्हें कोल केड़ी गरंटी है कि उन्हें जुमा भी मुकम्मल करना है कि नहीं? मैं पूछना चाहना, जे तेरी फजर बिस्तर से गुजर गई है, इस हालत च तेरी मौत आ गई, दस रब नूं की मुंह विखाएगा? सारी उम्र पैसा कठा या पेट वास्ते 24-24 घंटे टाइम लगा लें, मेहनत करदा, तो इस पेट नूं जहन्नम की अग तो बचाने वास्ते 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता? इस पेट नूं जहन्नम की अग तो, कब्र दे सप्पां बिछुआं तो बचाने वास्ते क्या 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता? तेनू अल्लाह ने दिहाड़ी करन वास्ते पैदा नहीं किया? तेनू अल्लाह पाक ने माल कमाण वास्ते पैदा नहीं किया? वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, पैदा किया ते सिर्फ इबादत वास्ते। इबादत करना तेरा काम है, उस मालक का काम है तेरे वास्ते रिजक दे रस्ते आसान करना। तू नमाज पढ़ ना पढ़, नेकी कर ना कर, जो तेरे मुकद्दर ते नसीब का रिजक तेन उ मिलना है, भावें उन्होंने हलाल तरीके ना खा ला, भावें हराम तरीके ना खा ला, मिलना वो ही है जो तेरे मुकद्दर ते नसीब अंदर है। हजरात अजी वकार, आइए अपनी सलाह कीजिए, या इस तरह समझ लीजिए, सरवर कायनात जनाब मोहम्मद, आवाज़ नहीं आई, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। लो जिन्हों आ हदीस समझ आ गई ना, पूरे जुमे का खुलासा है, पूरे जुमे का निचोड़ है। दुनिया जिहड़ी है ना, मोमन वास्ते कैद खाना है, तो काफर वास्ते जन्नत है। किवें ने ये? भावें रात 12 बजे बिस्तर से आया, 1 बजे आया, 2 बजे आया, इनू कैद लगी है कि मैं फजर उठ के पढ़नी है, इनू फिक्र लगी है कि मैं फजर पढ़नी है। तो जे फजर ना पढ़ी, काफर भी सुता दे, मुवाहद भी सुता। हदीस ने फैसला कर दिता, बैनल अब्दी वल कुफरी तर्क सलात, अगर काफर ते मुसलमान बंदे दे दरमियान फर्क वेखना होए, एक काफर फजर टाइम सुता है, जे मोमन भी सुता रहे, मुसलमान भी सुता रह जाए, फिर एदे ते काफर च फर्क कोई नहीं। फर्क ये वे, काफर सुता रहे, मोमन उठ के आन के रब दे सामने गिरिया जारी करे। ये ने मोमन बंदे वास्ते कैद, ये शराब नहीं पी सकता, और ये जुआ नहीं खेल सकता, और ये हराम नहीं कमा सकता, ये गाली गलोच नहीं कर सकता, ये लोगों का ना हक माल नहीं खा सकता। तो जरा काफर हो, जो मर्जी माल कट्ठा करता फिर। अल्लाह
الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا وإلينا ترجعون اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا نہیں ہم نے بنایا لبشر من قبل کا بابو سونے تواڈے تو پہلو دنیا تے کوئی بھی ایسا بشر نہیں آیا فرمایا جڑا ہمیشہ ہمیں دنیا تے رہیا ہوئے اج فخر تے مان لوگ اپنے برادری تے کردے نے تسا بھراواں تے مان کردا میرے 10 برا نے یہ 10 برا دنیا تے تیرے پیسے دے کم تے آ سکدے نے تیری بیماری دے وقت تے کم آ سکدے نے یہ 10 برا تیرے مال تیری غربت تے کم آ سکدے نے لیکن اللہ دی اللہ دی قسم یہ 10 برا کدی تینوں موت تو نہیں بچا سکدے یہ تیرے 10 پتر کدی تینوں موت تو نہیں بچا سکدے اللہ فرماتے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون اللہ دا نبی یعقوب پیغمبر 10 پتر ہے بڑے بڑے جوان پتر ہے بڑی قوت والے نے بڑی طاقت والے نے جدو حضرت یعقوب پیغمبر دے موت دا وقت آیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت فرمایا جدو موت دا پیغام آ گیا ہے انہاں دساں بچے پتراں نے بابا نو موت تو نہیں بچایا انہاں دساں پتراں نے یعقوب پیغمبر نو موت دے شکنجے تو نہیں بچایا انہاں دساں پتراں نے نہیں کیا اسا موت دا مقابلہ کر لینے ہاں یا موت دے فرشتے دا مقابلہ کر لینے ہاں تے اپنے باپ نو موت تو بچا لینے ہاں اللہ فرماندے نے پھر دساں پتراں دی موجودگی اندر ہے بڑا جلیل القدر پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے انہاں دی وی موت آ گئی ہے انہاں دی وی دنیا ختم ہو چکی ہے حضرات دی وقار چ نہیں سمجھ آئی دنیا دے ستے برے برے آزماں دے حکومت کرن والا سلیمان پیغمبر جدی حکومت دے اندر سورج طلوع ہوندا جدی حکومت دے اندر سورج غروب ہوندا جدی حکومت روٹا اندر کیڑیا مکوڑیاں دے وی ہے جدی حکومت مچھلیاں دے وی ہے جدی حکومت ہواواں چ اڈن والے پرندیاں دے وی ہے جدی حکومت ہواواں دے وی ہے جدی حکومت شیطاناں دے وی ہے جدی حکومت جناں دے وی ہے جدی حکومت انساناں دے وی ہے جدی حکومت حیواناں دے وی ہے ستے دنیا دے برے آزماں تے حکومت کرن والا سلیمان پیغمبر ہے پوری دنیا تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے پوری دنیا تے بادشاہت سلیمان پیغمبر دی ہے ہواواں نوں حکم دیندے نے کئی کئی مترا ہزاراں میل دا سفر منٹا سکنٹا اندر کر دتا جاندا ہے جانوراں نوں حکم دیندے نے جانور ماجرا مان لیندے نے حتیٰ کہ سلیمان پیغمبر کون ہے جنہیں ملکہ سبا دا ایک سکن دے اندر تخت خود لے کے آئے نے یا دوسری تفاسیر دی رائے دے مطابق آس برکیا لے کے آئے نے انی بادشاہت ہے انی قوت ہے انا مال ہے انا متاع ہے انی دولت ہے انی عزت ہے اللہ نے جناب سلیمان پیغمبر نو بادشاہت دے نال نواز دیتا ہے جدو موت دا وقت آیا ہے رب کعبہ دی قسم اس موت دے فرشتے نے نہیں جے ویکھیا اے تے ستڑیاں دے ستے بڑے آزماں دے حکومت کرن والا سلیمان نے اس موت نے نہیں جے ویکھیا کہ ایدی تے ہواواں دے وی حکومت اے ایدی تے چرند پرند دے وی حکومت اے زمین دیاں رڈاں تو لے کے آسمان تک ہواواں اندر اڈن والیاں تے حکومت اے اس موت نے نہیں جے ویکھیا کہ سلیمان پیغمبر تے بیت المقدس تعمیر کروا رہے نے اس موت نے تے بیت المقدس دی تعمیر دا وی لحاظ نہیں جے رکھیا جدوں موت دا فرشتہ آیا اے تے کہندے نے سلیمان جی پھر تیاریاں کر لو اللہ دی طرفوں بلاوے آ گئے نے جناب سلیمان جنہاں دے کولوں بیت المقدس
मुकद्दस की तमीर करवा रहे ने, लेकिन मौत ने आके मोहलत नहीं दी थी। सुलेमान पैगंबर ने आ अपनी आसा ते लाठी इंज लगाई ते टेक लगा के खड़े हो जाते ने। फलम्मा कज़ीना अलैहिल मौत मा दल्लम अलल मौती मा दल्लम अला मौती। फरमाया फरम फलम्मा कज़ीना अलैहिल मौत जो असा सुलेमान पैगंबर ते मौत का फैसला कर दिता है ना, जो सुलेमान ते मौत आई है, जो सुलेमान पैगंबर ते मौत का फैसला कर दिता है। इस आयत के अगले लफ्ज़ तड़पा देने वाले ने फरमाया जो मौत आई है सुलेमान पैगंबर आसा दे सहारियां दे खड़े ने, ते बड़ी देर तक ते कई दिन खड़े रहे ने। थलों कीड़े ने खाना शुरू कर दिता, सियोंक लगी है, लकड़ी कमजोर हुई है, लकड़ी गिर जाती है। फलम्मा खर्रत बैना दिल जिन्नो फरमाया जदों जमीन ते जनाबे सुलेमान पैगंबर गिरे ने। समाने वालियो जड़ा पैगाम मैं देना चाहना, यदि सत्ता दे बड़े आजमा ते हुकूमत ते जड़ा जमीन दा बादशाह है, कुरान कहिंदा फलम्मा खर्रा अजो जमीन ते गिर गया है, जड़ा जमीन दा हुक्मरान है। फलम्मा खर्रा अजो जमीन ते गिर गया है, यदि दुनिया ते हुकूमत ते फलम्मा खर्रा अजो जमीन ते गिरया पिया है। अज मौत ने बादशाह भी मुका दी है, इस मौत ने ते सारे जमो जलाली खत्म कर दिते ने। जड़ा बादशाह सुलेमान सी अज मैयत बन गया, जड़ा हाकम सुलेमान सी अज मैयत बन गया, जड़ा पैगंबर सुलेमान सी अज मैयत बन गया है, अज दुनिया ते मैयत बन गया है। हजरात इस मौत ने नहीं छोड़िया, ये मौत किसे नु छड़न वाली नहीं है, नहीं मौत किसे नु छोड़ दी जे, ये चुन चुन के कलियां तोड़ दी जे, मुख अपने वालों मोड़ दी जे, इतों कले हो गए जोड़े ने, इतों कले हो गए जोड़े ने, कईया हथी पुत्र टोरे ने, कईया मा प्यो पाए विछोड़े ने, रख याद कबर दिया कंदानो, और छड़ जाना इज़न फरजंदानो। हजरत दी वकार मैनू शायद साहब नजर आए ने, ते गल याद आई है मेरे मोहतरम भाई कारी हफीज़ुर रहमान साहब है, इन्हां दे वालिद मोहतरम अताउर रहमान साहब है, हजरत शेख उल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शकुरपुरी दा पुत्र है। जो जवानी अंदर मौत हुई है ते शेख उल कुरान जवान पुत्र दी मैयत चुकी फिरदे ने, अल्लाह जानदा जवान पुत्रां दे जनाज़े पढ़ने बड़े मुश्किल है, जवान पुत्रां दी मैयत चुकनियां बड़ियां मुश्किल है, जवान पुत्रां दे जनाज़े पढ़ने पढ़ाने बड़े मुश्किल है। नाले शेख उल कुरान रहमतुल्ला ने जनाज़े वास्ते आ रहे ने ते ज़बाने हाल तो कहंदे ने, ओए थोटरन जनाज़े कबरों दे कल पहन लिबास फकीरां दा, इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे मंदा हाल वजीरां दा, और तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा। जदों मौत दा पैगाम आ जांदा है, कोई दुनिया दी कुवत मौत ने जे बचा सकदी, हजरते दी वकार जे नहीं समझ आई, आ मैं तेनों जनाबे यूसुफ पैगंबर वल लै जावां। कौन है यूसुफ पैगंबर? मिस्र दा बादशाह यूसुफ पैगंबर है। रब्बे कद आतैतनी, रब्बे कद आतैतनी, ए मेरे मालिक तू ने मेनू अता कर दिता है, बादशाह दे दिती है, खब दा इलम दे दिता है, दुनिया दी बादशाहत अता कर दिती है, मालो मता दे दिता है। अज मालो मता तो बाद तेरा यूसुफ इको गल पिया मंगदा, तवफानी मुसलिमन वाल हिकनी दिसा नहीं।
अल्लाह बादशाह यूसुफ दुनिया दियां बादशाहतां नहीं चाहीदियां, अल्लाह हाकम यूसुफ दुनिया दियां हुकमरानियां नहीं चाहीदियां। अल्लाह तेरा यूसुफ इको गल मंगदा है तवफनी मुस्लिमा, अल्लाह मैनू मौत दवे ते मुसलमानी दी हालत अंदर। समाने वाले उसियो भी हाजी नमाजी वेखे ने, मैं किताब अंदर पढ़ता पिया वा मौलाना यूसुफ राजवालवी रहमतुल्लाह अलैह दा बेटा हाफिज़ बैतुर रहमान मोहसिन, उन्होंने अपनी किताब अंदर नकल फरमाया कि मेरे बाबा यो राजवालवी रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त कोई दुआ करया करते ने, ऐ मेरे अल्लाह मेरा खात्मा बिल खैर कर दे, अल्लाह मेरा खात्मा बिल ईमान कर दे। ते एक दिन मैं पूछया पूजी कसरत नाल कोई दुआ करी जांदे जो वजह की है सबब की है, हजरत यूसुफ राजवालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेटा बैतुर रहमान मैं वो भी एक इंसान वेखिया जिन्हें हज ते हज किए ने, जिन्हें उमरे ते उमरे किए ने, सफे अव्वल का नमाजी है, पांच वक्त का नमाजी है, कसरत नाल कुरान पढ़ने वाला है, बड़ा हाजी साहब है, सदका खैरात करने वाला है। जदों ते मौत दा वक्त आया है ते उहदे पुत्रां ने कुरान पकड़ के जो लागे बह के तिलावत करनी शुरू कर दी है, ते इहदी जबान तो आखिरी जुमले निकले ने ले जाओ इस कुरान को मैं नहीं मानता, ये दुनिया की झूठी किताब है, ये अल्फाज कहने ते रूह परवाह कर गई है। इन्हां जुमलियां ने इहदी हज्जां भी ज़कात कर दी बर्बाद कर दित्तियां ने, इहदियां ज़कातां भी बर्बाद कर दित्तियां ने, इहदियां तलावतां ते नमाज़ां भी बर्बाद कर दित्तियां ने। ओ यार यो फिक्र करिया करो अपनी आखरत दी, लोग शराब पींदे भी मर जांदे ने, ज़िना करदे भी मर जांदे ने, डकैती करदे भी मर जांदे ने, एक्सीडेंट खुंदियां और गड्डियां दर गाने चलांदियां भी मर जांदे ने, ये मौत नहीं जे छोड़दी। दुआ करिया कर अल्लाह मेरा तेरा खात्मा करे ते नमाज दे अंदर सजदे दी हालत अंदर कर दवे। इन्हें नहीं छोड़ना मोड़ ने, इन्हें तो नबी पैगंबर नहीं छोड़े, तो दुनिया की जिंदगी च मगन होया पिया। अल्लाह फरमाते ने दुनिया की जड़ी जिंदगी है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, कुल्लु हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना, कोई दुनिया से नफ्स नहीं आया। जी हजरत ईसा अलैहि सलाम जिंदा गए ने, उन्हें भी दुनिया से आना, मौत उन्होंने भी आना, कोई दुनिया का फर्द कोई जानदार चीज मौत तो नहीं बच सकती। और बचन वाली जात है तो सिर्फ अल्लाह दी है, बाकी जात है अल्लाह दी है। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ تواڈے ایک ایک جملے دا ایک ایک بول دا ایک ایک عمل دا قیامت والے دن اجر ملنا۔ جی اجر دی گل کری ہے نبی پاک نے فرمایا مینوں اپنی امت دے نا اجر دکھا دیتے گئے، یا رسول اللہ کی ویکھیا؟ فرمایا میرے امتی نا ایک چھوٹا جا تنگہ مسجد چ پیا سی تے اونے چوک کے باہر سٹیا، अल्लाह नूं ए भी अजर इन्ना प्यारा लगा। नबी पाक फरमांदे मैनूं ख्वाब अंदर अल्लाह ने ए भी अजर विखा दिता, पता चलिया मस्जिद तो छोटा जा तिनका बाहर सुटिए ए भी अजर बन जांदा है। इहदा भी कियामत नूं हिसाब होना, जे छोटे जे तिनके दा हिसाब ते सवाब मिलना ते वड्डियां सारियां शराबां ते जुवियां दा हिसाब नहीं मिलना, बेनमाजी दा हिसाब नहीं होना। जिंदगी बर्बाद कर लिए, खेल अंदर लगा है, खेल कूद अंदर लगा है, अपनी जिंदगी नू खेल तमाशा बनाया। अल्लाह फरमाते तेरी जिंदगी तेरे वास्ते धोखे का समान है। सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं समझ आई मैं इस तरह समझावा, मुस्लिम पाक की रिवायत है, अल्लाह दे पाक पैगंबर एक दिन मदीनियों जना बारो मदीने अंदर दाखिल होए ना, ते नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने कूड़े के ढेर ते एक बकरी वेखी है, छोटे जे कन्ना वाली छोटी जी कमजोर बकरी है, जिन्हों साडे पंजाबी ना भेडू बकरी कहिंदे, टैड़ी बकरी कहिंदे, वह छोटी जी बकरी निके निके उहदे कन्न ने, नबी पाक आए तो वेख्या मरी पई है, यानी कि दो चार पाँच दिन का ना बच्चा।
ਤੇ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਤਨਾ ਵਲਹੁ ਫਅਖਜ਼ ਬਿਉਜ਼ਨੀ ਸੁਮਾ ਕਾਲਾ ਅਯੁਕੁਮ ਯੁਹਿੱਬੁ ਅਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਹੁ ਬਿਦਿਰਹਮਿਨ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਪਕੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਕੌਣ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਹਾਬਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਰਦੇ ਜਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬੋ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਖੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਰੀ ਪਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੀ ਲੈ ਲਵੋ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਘੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਮਾਬੂਰ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਹਕੀਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਅਗਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਬਾਬੂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਹਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਰੇ ਨਫਸੀਆਦ ਹੈ ਆਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਫਵੱਲਾਹਿ ਲਦੁਨੀਆ ਅਗਵਨੁ ਅਲਲਾਹਿ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਾ ਅਲੈਕੁਮ ਓ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਬ ਉਜ਼ ਜ਼ੀਨਤ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਤਾਕੀਰ ਹੈ ਹਕੀਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਹਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜੁਨਲ ਮੋਮਿਨੀ ਵਜੰਨਤੁਲ ਕਾਫਿਰ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰਵਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 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 ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਹਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੋ ਮਤਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਕੀਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਬੇਵਫਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਗਰਕਾ ਬੇ ਰੱਬੀ ਕਲ ਕਰੀ
हकीम। ओए अल्लाह दिया बंदिया तू समझदा मैं अल्लाह नूं धोखा पै दे रिहा, फजर सुत्तियां गुजार लिए केड़ा रब नूं पता चलन दिया, तनहाइयां ना पाक हो गईआं केड़ा रब नूं पता चलन दिया, जे मैनूं कोई शराबां तों रोकण वाला नहीं केड़ा रब को मेरा बिगाड़ लेगा। ओ इंसाना तैनूं किस चीज ने उस रब दे बारे धोखे अंदर कर दिता ई, जदों तेरे ते मौत दा वक्त आना ई तेरियां आकड़ां वी निकल जानियां, तेरियां दुनिया दियां जागो जलान भी निकल जाने, ये दुनिया दे फखर भी निकल जाने, ये दुनिया दा माल मता भी निकल जाना। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया तो सब नाल ज्यादा दौलत मिलन वाला करून है, सब नाल ज्यादा दौलत मिली है करून। सूरत कसस पढ़ी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जेड़ा करून है ना जनाबे मूसा पैगंबर दी कौम दा है गद्दार सी, जा फिरौन ना मिल गया है बनी इसराइली सी, फिरौन ना मिल के तो जाके इन्हें जनाबे मूसा की मुखालफत शुरू करती, कहता सी मूसा अलैहि सलाम जादूगर है, जो भी बंदा मरदा ना अपने हत्थों बहुत मरदा है, इन्ना दुख काफर के मुकाबले दुश्मन के मुकाबले का नहीं होंदा जिन्ना अपना जाके गद्दार बन जाए, अपना सी ना जनाबे मूसा अलैहि सलाम की मुखालफत। तो वेखो इतना बड़ा काफर है, अल्लाह ने माल पता किन्ना दिता है, एक ऊंठा की जमात इहदा माल नहीं चुकिया, एक ऊंठा की जमात ते जिथे दे खजाने पे ते जिहड़े ताले लाए ते जिन्नियां चाबियां, अल्लाह फरमांदे ने ओह चाबियां एक बहुत बड़े ऊंठा के लश्कर ते लदी फिरदा, सिर्फ चाबियां तो इतने बड़े लश्कर ते लदी फिर रहा, माल लैके निकलिया लोगों ने विखाउण वास्ते। आ पूरा कुरान सूरत कसे पांच छे आयात पढ़ लो, लेकिन वक्त थोड़ा मैं खुलासा बयान करा, जो माल लैके निकलिया ना तो पूरा फखर कर रहा, मान बड़ा कर रहा कि मेरे को बड़ा माल है। ते सही बुखारी अंदर हदीस पा गए सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जदों ये माल लैके बाहर निकलिया है बड़ा लाओ लश्कर है, बहुत ही लंबा इहदा लश्कर है, ऊंठा ते चाबियां लदियां ने, ये माल लोगों को दिखांदा पिया ते फखर कर रहा है, इन्हें दुनिया नू खेल तमाशा बना लिया, आसमान वाले रब दा फैसला हो गया। अल्लाह फरमांदे ने फिर असा जमीन नू हुक्म दिता जमीन फट जा, आका फरमांदे ने जमीन फट जांदी है उहदे विच एक करून भी चला गया, उहदे इहदे विच इहदे ऊंठां दा लश्कर भी चला गया, उस जमीन दे अंदर इहदे खजाने भी चले जांदे ने, उस जमीन दे अंदर इहदे नौकर ते चाकर ते गुलाम भी चले जांदे ने, उस जमीन दे अंदर इहदे वजीर ते मशीर भी चले जांदे ने, जिहड़ा दुनिया दा बादशाह दुनिया दा बदमाश बनिया फिरदा, अज जमीन फटी ते खजानिया समेत दुनिया दा चला गया। हदीसे बुखारी है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने सिर्फ जमीन अंदर जाके एक जगह ते मर खपनी गया, फरमाया अजे तक जमीन फटदी जा रही है उहदे अंदर तरसदा जा रहा, हत्ता के क्यामत तक जमीन फटदी जाएगी, इस जमीन दे अंदर तरसदा जाएगा, ये कौन है अपने वक्त दा करून है, इन्हें मालूमता वाला इन्हें फखर नाज वाला है, अज मौत आई है ते जमीन ने अपने अंदर जज़ब कर लिया, जेड़ा जमीन दा बदमाश ते गुंडा बनिया सी अज जमीन अंदर तरसदा जा रहा, जेड़ा दुनिया ते मान दुनिया ते मान करदा सी अज जमीन अंदर तरसदा पिया जा रहा, अज इहनू कोई जमीन तो निकाल नहीं सकदा, अज इहनू कोई बचा नहीं सकदा, वीरियां में गरूर नहीं हो चंगा हुंदा, इन्हां पैसों के खातर मान चंगा नहीं होंदा, इस दुनिया ते नाज करदा होया मान चंगा नहीं होंदा, और सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता दौलत दे नशे खराब तेनों, तेरी दौलत आराम ना लैन देंदी, भुलिया कबर दा सख्त अजाब तेनों, मन रब का कहनगे मार गुड़दा, अगों आवना नहीं जवाब तेनों, फिर रोवेगा वेख के अमल नमा, देना पवेगा जदों हिसाब तेनों, तेरा माल कमाया सब रह जाना, तेरा माल कमाया सब रह जाना, जदों मौत वजिया तीर तेनों, जदों मौत वजिया तीर तेनों, नहला के कफन फिर दे देवा,
देवन नहला के कफन फिर दे देवन हथी तोरन के मां प्यो वीर तेनो आज बंद की रब दी कर बंदे दीती जिंदगी रब कदीर तेनो कादा मान कर दाए मौत आई है अल्लाह दी कसम ना तेरे गल अंदर पाए हुए कपड़े भी उतार लेने हो इना कैंचिया नल कट के कपड़े भी उतार लेने हो जेड़ा तू आप नहांदा सा हुन नहान दे काबल नहीं हो रहा चौधरी साहब सेठ साहब मालदार साहब तेरे मुंह अंदर ना रूह भी रख देना हो तेरे मुंह चो पानी भी निकलता होगा तेरे नक अंदर भी ना रूह रख दे तू अपनी बावां भी सीधियां करन वाला नहीं हो इना तेरे रिश्तेदार तेरियां बावां भी सीधियां करनियां हो हत्ता के तेरे पैरां दी उंगलियां नूं इना रस्सियां भी बन्न देनियां हो इना तेनूं गुस्सल भी देना हो तेनूं बरहना करके फट्टे ते लटा देना वा अज तू दुनिया दा मालो मता ते फिकर कर रहा नाज कर रहा अज दुनिया के माल तो बाद इस दुनिया के तख्ते ते लेटिया होएगा तेनूं अपने रिश्तेदार या पिंड दा मौल भी तेनूं गुस्सल देगा तेरे सारे नाजो नखरे ते तार खत्म हो जाएंगे तेरिया सारिया शनाख्त मुक जाएगिया तेरिए सारे तार मुक जाएंगे फिर होके मजबूर आकर पट्टे ते पाया है उतार दियो कपड़े दे आख सनाया है हुण कपड़े उतर गए ने इनू गुस्सल दिता जा रहा है लोग जमा हो गए ने लोग आंदे ने असीं इहदा दीदार कर लईए लोग आंदे ने असीं इहदे चेहरे नूं वेख लईए धीआं अपनी जगह रो रही ने भैणा अपनी जगह रो रही ने बीवी अपनी जगह रो रही है पुत्र अपनी जगह रो रहे ने बाप अपनी जगह रो रहा है इस दुनिया ने अल्लाह की कसम किसी नूं नहीं छोड़िया ये दुनिया किसी नूं छड़न वाली नहीं हो ये दुनिया फना है बड़े बड़े सरदारां ते चौधरियां इस दुनिया ने शनाख्त खत्म कर दित्तियां है आखिरी आयत की तफसीर करिए ते गल मुकाइए अल्लाह फरमांदे ने इलमो अन्नम अल हया दुनिया लाइब वजीना व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवाली वल औलादी कमसल गैसिन अजबल कुफार नबातुहु सुम्म यहीजु फतराहु मुसफरा सुम्म यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फिरतु मिन अल्लाह व रिज़वान व मल हयातु दुनिया अल्लाह फरमांदे ने दुनिया दा माल ए धोखा ए खेड़ ए तमाशा बन गया यो तेरियां खेड़ां ने तेनू नमाजां तो दूर कर दिता तेरियां खेड़ां ने तेनू रब दा भागी बना दिता तेरे कारोबार ने तेनू रब दा भागी बना दिता तू दुनिया ते फखर करदा मेरे कोल माल बड़ा तू दुनिया ते फखर करदा मेरे कोल जायदादां ते औलादां बड़ियां ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसान ते खेती दी मिसाल दे के समझाया जदों बच्चा पैदा हो जाता है बाप बड़ी खुशी दे नाल उस बच्चे दा नाम भी रखता है जदों बच्चा पैदा हो जाता है बाप बड़ी खुशी दे नाल उस बच्चे दी झंड बना के उसके वालों के बराबर चांदी सदका कर देता है जदों बच्चा पैदा होता है बाप बड़िया खुशियां दे नाल हकीके करता है जदों बच्चा पैदा होता है बाप बड़ी चाहत दे नाल उसकी तरबियत करता है जदों बच्चा पैदा हो जाता है बाप उसनूं जवान करता है दुनिया के किसी जन्म अच्छे तो अच्छे स्कूल अंदर तलीम दिलवाता है तलीम तो बाद अच्छी नौकरी दिलवा देता है अच्छी नौकरी तो बाद शादी हो जाती है जनाब उसके घर का इंतजाम कर दिया जाता है अल्लाह फरमांदे ने इवें दुनिया की मिसाल है जो ये घर बन गया है हुण ये बुढ़ापे वाल जा रहा है सुम यकून हुतामा जिहड़ा बच्चा जिहदा चौ चाई ने ना रखिया चौ चाई हकीका कीता है सुम यकून हुतामा अज ओही पुत्र फट्टे ते पिया है सुम यकून हुतामा अज ओही बेटा जनाब ओदी अखां दे सामने मैयत बन गया नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम नूं खबर मिली है सोहणिया तुहाडा आखरी बेटा इब्राहिम बीमार समाने वालियो अल्लाह दी कसम जिहड़े सदमे मेरे मुस्तफा ने उम्मत वास्ते बर्दाश्त कीते ने जिहड़ियां तकलीफां मेरे मुस्तफा ने उम्म
امت واسطے برداشت کیتیاں نے میرے نبی دے 6 اولاد 3 بیٹیاں تے 3 بیٹے آقا دی دنیا تے زندگی پاگند وفات پائے نے آخری بیٹا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نبی پاک نو خبر ملی ہے میرے مصطفی جناب مسجد دے اندر یا رسول اللہ تبو سیف لوہار دے کر تواڈے بچے دی پرورش ہو رہی ہے ابو سیف ایک لوہار ہے اودی بیوی تواڈے بچے نو دودھ پلاندی ہے اودی بیوی تواڈے بچے دی رضائی والدا ہے اللہ دے رسول بچے دی طبیعت بگڑدی جا رہی ہے لوکو حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میرے مصطفی نے مسجد دی میٹنگ چھڑ دیتی ہے سارے معاملات چھڑ دیتے نے جان دیو انہاں لاڈلیاں نال پیار کتنا ہوندا ہے انہاں نال محبت کتنی ہوندی ہے میرے نبی گدے تے بیٹھے نے چلدے جا رہے نے ابو سیف لوہار دے کر گئے نے انہاں پٹھی جلائی ہے دھواں نکلدا پیا صحابہ نے جا کے دھواں بند کرایا میرے مصطفی گئے نے فرمایا لیاؤ میرے ابراہیم نو میں صحیح البخاری اندر پڑھیا میرے مصطفی نے اپنے ابراہیم نو ہتھاں تے چک لیا فقبلہ وشحمہ نبی پاک بوسے دئی جا رہے نے تے سنگھی جا رہے نے بوسے دئی جا رہے نے اپنے بیٹے نو سنگھی جا رہے نے محبت دی اخیر کر دیتی ہے او لوکو 16 یا 17 مہینے دا پتر ہے میرے مصطفی اپنے پتر نو موت تو نہیں بچا سکے میرے نبی دے ہتھاں دے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہو جاندی ہے نبی دے ہتھاں جو وفات ہوئی ہے اللہ دی گل سمجھ اندر نہیں آئی اپنے نبی دے پتر نو تو ابو سیف لوہار دے گھر اندر بھی موت دے سکدا سا نبی دے ہتھاں تو علاوہ بھی موت دے سکدا سا اللہ سمجھانا چاہندے نے لوگو موت تو میرا محمد بھی کسے نو نہیں بچا سکدا نبی دل دل دا ٹکڑا ہے نبی دا لاڈلا بیٹا ہے لیکن نبی نے اپنے پتر نو موت تو نہیں بچایا جدو میرے مصطفیٰ دا پتر جدا چاہو چاہی نہ رکھیا جدا خوشیاں نال عقیقہ کیتا خوشیاں نال جدے وال اتار کے چاندی دے برابر صدقہ کر دیتا ہے اجو پتر سم یکون خطاما اجو پتر میت بن کے نبی دے ہتھاں دے نے حضرت حذیفہ فرماندے نے اسا نبی دی اکھاں ویکھیاں ہیں زوروں کے تا نبی پاک روئی جا رہے نے حضرت حذیفہ آندے نے یا رسول اللہ وانت مغفور سونیا تسی وی روندے پئے ہو تواڈیاں اکھاں چوں وی آنسو بہ رہے نے تواڈیاں اکھاں چوں وی آنسو بہ رہے نے فرمایا حذیفہ رونا اے ماتم نیو رونا نوہانیو ان ہر رحمان اے تے اللہ دی طرف رحمت دی دلیل ہویا کردی ہے حذیفہ سن لے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا و ان بفراقک یا ابراہیم لمحزون فرمایا حذیفہ سن لے اے ابراہیم تیرے بابا محمد نو کمزور کر گیا وا ابراہیم تم تے اپنے بابا نو جدائیاں دے کے کمزور کر گیا وا ان العین تدمع میں تے محمد دی اکھاں وی رو رہیاں نے ول قلب یحزن تے نبی دا دل وی بڑا غمگین ہے لیکن او ابراہیم گل سن لے تیری وفات تے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولاں گا جے نال میرا رب ناراض ہو جاوے میں اس رب تے راضی ہاں میں اس رب دے فیصلے تے راضی ہاں میں اس رب دی تقسیم تے راضی ہاں میں اس رب دے فیصلے تے راضی ہاں حضرات دی وقار میرے مصطفی نے فرمایا و ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم تیری وفات نے محمد نو غمگین بڑا کیتا ایوں تیری وفات نے میں محمد نو پریشان بڑا کیتا ایوں یا پنجابی چ کہہ لا ابراہیم تیری وفات نے تے محمد دا لکی توڑ دیتا ایوں دنیا تے آخری پتر سی او وی دنیا تو چلا گیا وا لوکو جدو پتر فوت ہو جائے محلے والے آن کے دلاسا دیندے نے جدو پتر فوت ہو جائے اپنے آن کے گربان لگ کے رو کے تلاسے دیا کر دینے میرے محمد ویکھو تے صحیح کیویں دشمنوں نے گلاں شروع کر دیتیاں نے آندے اج محمد دا آخری پتر دنیا تو ٹر گیا کل نبی وی دنیا تو ٹر جائے گا ایدی نسل مک جائے گی ایدا نام و نشان مک جائے گا الٹے نا وفات بیٹے دی ہے الٹے روحانی زخم ہی لگ گئے نے بیٹے دی وفات
ਵਫਾਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਵਸਾਏ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਫਾਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਵਸਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਕਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਸੁਮ ਯਕੂਨ ਹੁਤਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਾ ਜਾਲਨਾ ਲਿ ਬਸ਼ਰਿਮ ਮਿਨ ਕਬਲੀ ਕਲ ਖੁਲਦ ਅਫਹਿਮ ਮਿਤਾ ਫਹੁਮੁਲ ਖਾਲਿਦੂਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕਬਰ 'ਚ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸਟਾਮ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਜੇ ਸਟਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਆਹ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਫੌਸ਼ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਸੱਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਆਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਹਰਕ ਲਹੁਲ ਅਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਬਰਗਜੀਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਹਰਕ ਲਹੁਲ ਅਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਆਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਖੈਰ ਤੇ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਆਬੀਓ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦੌੜੋ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰੀਕੇ ਗੁਸਲ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਰੀਕੇ ਨਾ ਪੜਾ ਦੇਣ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਫਰੀਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਸਿਆਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਕਾ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਯਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਮੈਯਤ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਯਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਯਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਆਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਫਰੀਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਿਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੂਰੀ ਫਰੀਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਵਸ਼ਾਹੀਦਹੁ ਸਬਉਨ ਅਲਫੁਮ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਾ ਲੋਕੋ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਿਆ ਇਕੱਲੇ ਸਦੀਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰੂਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇਕੱਲੇ ਉਸਮਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵਸ਼ਹੀਦਹੁ ਸਬਉਨ ਅਲਫੁਮ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਾ ਬਲਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ 70,000 ਫਰੀਦਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਹੈ
मैयत नो चुकन वाले भी आसमान दे नूरी फरीते गुसल देन वाले सहाबा जनाजा पढ़ाने वाले नबी पागे जनाजा पढ़ने वाले सहाबा जनाजा पढ़ने वाले आसमान दे नूरी फरीते ने नबी पाग ने जनाजा पढ़ा दीता हुन अल मुस्तदरक लिल हाकम च पढ़ लगा वा जदों हजरत साद नो कब्र अंदर उतार दिता गया एन मैयत कब्र अंदर चले गई है लोका मट्टी पा दीती है लोका त्यंतर भुख मट्टी दे पा दीते ने कब्र तैयार हो जाती है मेरे नबी बड़े परेशान होए ने रंग बदल गए चेहरा गमगीन हो गया चेहरा रंग बदला जर्द हो जाता है सहाबा ने वेखिया आका ने जोर नाल कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी ने जिक्र शुरू कर दिया सहाबा ने सुनिया कदी पहलो यो जनाजे ते कब्र ते दफन करन तो बाद तुसी इंज नहीं किया फरमाया मेरे सहाबियो लोको ए सहाबी नो अजाब नहीं जे कोई मते समझ लवे अदनान असर कह रिया के सहाबी नो अजाब पहुंचिया अजाब नहीं जे पहुंचिया शरीयत दे असूलां नु सामने रख के शरीयत दे दलाल नु सामने रख के बुखारी मुस्लिम दी रिवायत नु सामने रख के मैं जो बात समझाना चाहना वा आका फरमांदे ने मैं नबूवत दीयां नजरां नाल वेखिया मैं रिसालत दीयां नजरां नाल वेखिया ए नाज़िम उल कदर सहाबी अज कब्र अंदर गया है ते कब्र दीयां दीवारां मिल गईयां ने सजियां पसलियां खब्बे पासे ते कबियां सज्जे पासे आ गईयां ओ समाने दे लोगो जिहड़ा शहीद होवे जिहड़ा नबी दा सहाबी होवे जिहड़ा जनाज़ा नबी पाक पढ़ाण जिहड़ा जनाज़ा सहाबा पढ़ण जिहड़ा जनाज़ा आसमान दे नूरी फरिश्ते पढ़ण अज कब्र अंदर गया है ते कब्र दीयां दीवारां मिल गईयां ने सजियां पसलियां खब्बे पासे ते कबियां सज्जे पासे आ गईयां ने फरमाया सहाबियो ए कब्र दा अज़ाब नहीं जे बल्कि कब्र हर बंदे नूं खुश हो के मिलदी है खुशी नाल मिलदी है ते कफील बन जांदी है कदी गौर कर राज सुन लगिया जे कब्र खुश हो के नबी दे सहाबी नूं मिले ते पसलियां तोड़ दवे साडे जे गुनाहगारां ने कब्र दा साडे जे गुनाहगारां दे नाल कब्र ने की सलूक करना है साडे दे पापियां नाल पता नहीं कब्र ने की सलूक करना है साडे जे गुनाहगारां दे नाल पता नहीं मौत दा की फैसला होना वा हजरत जीवकार जे तेनूं मौत दा नहीं पता चलिया जे तेनूं मौत दीयां सख्तियां दा इलम नहीं होया जे तेनूं मौत दा पता नहीं चलिया आखरी हदीस ते गौर करना नबी पाक ने फरमाया बनी इसराइल दा काफला एंड बनी इसराइल शहर दे विचों बाहर निकलिया चलदिया चलदिया शहर तो बाद एंड कब्रस्तान आ जांदा है सही सनद दे नाल हदीस पढ़दा पिया वा एंड कब्रस्तान आया है ते नौजवानां नूं फिकरां लगियां ने पता नहीं आ कब्रां ते जड़े पए ने इन्हां नाल की बंदा होएगा तू वी किते फजर तो बाद कब्रस्तान जाया कर आ मेरे बाप दी कब्र है पता नहीं मेरे बाप नाल की बंदा होएगा आ मेरी वालदा दी कब्र है पता नहीं वालदा नाल की बंदा होएगा आ मेरी बीवी दी कब्र है पता नहीं बीवी नाल की बंदा होएगा आ मेरे रिश्तेदारां दीयां कब्रां है पता नहीं इन्हां नाल की बंदा होएगा ओ यार असीं कब्रां अंदर जाइए ताश खेलण जुड़वा खेलण दुनिया दे मासीयत ते गुनाह करन वास्ते अल्लाह मैनूं माफ कर दे इहो जिहे वी ज़ालम लोग वेखे ने जिन्हां कब्रां चों औरतां नूं निकाल के उन्हां नाल बदकारियां कीतियां ने अज दा मुआशरा उहदे बनी इसराइल दे नौजवान है इन्हां नूं कब्र दी फिकर लग गई है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने इन्हां ने फैसला कीता ओ यारो तोरक नफल नमाज पढ़िए अल्लाह दे कोल दुआ करी अल्लाह कब्र दे विचों तो मुर्दा बाहर निकाल सानूं कब्र दे हालात दस दवे ना फरमा लो सलीन रकातैन दो रकता पढ़ लिए दुआ कर लिए फरमाया ना दो रकता नफल नमाज पढ़े ने दुआ कीती है आसमान वाले रब्बा किसे कब्र चो मुर्दा बाहर निकाल सानूं कब्र दे हालात दस दवे ना सानूं दसे कब्रां च की बंदा वा सानूं पता लग जाए कब्र अंदर हुंदा की है आका फरमांदे ने जदों इन्हां नफल नमाज पढ़ के दुआ कीती है इक कब्र फट गई है उहदे चो मुर्दा बाहर निकल आया इहदा रंग उड्डिया पिया है इहदे चेहरे ते जिहड़ा चेहरे ते सियाईयां पईयां ने इहदे चेहरे ते जिस्म ते पसीना ही पसीना है इहदा ते रंग ही काला होया है इह डर के पिछे हो गए यार इन्ना सलूक बदतरीन कब्र अंदर होंदा है आ कफियतां कब्र च बन जांदियां ने जदों इह हालत वेखी डर के पिछे होए ने आंदे लोगो इह मुर्दा बोलिया कहिंदा लोगो ना डरो मैनूं अल्लाह ने कब्र दे हर किस्म दे अज़ाबां तों बचा लिया है आका फरमांदे ने वबैना आई नहीं ही असर सुजूल इहदे ते मत्थे ते
सजदे कर करके निशान भी बने आए। पता चलिया दुनिया से नमाजी है, पता चलिया इतने मुवाहद बंदा है, इतने मुत्तकी बंदा है, इतने नेक बंदा है। आंदा हदीस दस्या को सुभान दसदा पिया वे, आंदा डरो ना लोगो मेरी कबर अजाम नहीं बनी, बल्कि मेरी कबर ते जन्नत दा बगीचा बनी है, मेरी कबर ते जन्नत दा गुलजार बनी है। ये होर डर गए जे तेरी कबर जन्नत है फिर तेरा रंग क्यों डियाए, जे तेरी कबर जन्नत है तेरे ते ना पसीना क्यों आया है, जे तेरी कबर जन्नत है फिर तेरा रंग काला क्यों होया है, जे तेरी कबर जन्नत है तेरी इन्नी डरावनी शक्ल क्यों बनी है। समाने वाले रब्बे काबा की कसम तेरे दिल की दुनिया बदलना चाहना वा। इस मुर्दे के लफ्जा ते गौर करिया जे, आंदा लोगो ये पसीना मैनू कबर अंदर नहीं जी आया, ये हालत मेरी कबर अंदर नहीं जी बनी, बल्कि अज तो एक दिन नहीं दो दिन नहीं एक साल नहीं जे, बल्कि एक सौ साल पहलो मेरे ते मौत आई है, एक सदी पहलो मेरे ते मौत आई है, एक सौ साल पहलो मेरे ते मौत आई है। कहिंदा जिहड़ा मौत दे वक्त मेरे ते पसीना आया सी, जिहड़ियां सर्दियां मौत दे वक्त आईयां सी, जिहड़े पसीने मौत दे वक्त आए सी, जिहड़ी डरावनी हालत मौत दे वक्त बनी सी, जिहड़ा रंग मौत दे वक्त काला होया सी, अज एक सौ साल गुजरन तो बाद उते मौत वाला भी पसीना नहीं जे सुकिया, उते मौत वाली भी हालत नहीं जे बदली। तू कि दुनिया अंदर लगा फिरदा वा, तू दुनिया के मालो मतान अंदर लगा फिरदा वा, इतने से मौत इन सर्दियां नेकां दी आईयां है, सौ सौ साल बाद भी चेहरे नहीं जे बदले, सौ सौ साल बाद भी पसीने नहीं जे सुके। तू असी मैं ते तू ते फिर भी बेनमाज हाँ, साड़ी जिंदगी बर्बाद हो गई है, असी अपने आप नू तबाह बर्बाद कर लिया है। लोग रब दा वास्ता दे के कहांगा आज अज फिक्र कर लीजिए, ये मौत नहीं छोड़न वाली, ये कबर नहीं जे छोड़न वाली, ये हशर नहीं जे छोड़न वाला, एक एक अमल दा हिसाब किताब होना। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, एक एक अमल दा हिसाब किताब होना। सहाबा इकराम ना रोटी खांदे ने, एक सहाबी ने लुकमा मुंह च पाउन लगा, अल्लाह सुन इहदा भी सवाल होएगा, फरमाया जो लुकमे जो जर्रात उन्होंने भी सवाल होना, सवाल होना उन्होंने बारे पूछा जाएगा, कितों कमाया ई, किवें कमाया ई, किवें कठा किया ई। मेरे मोहतरम भाइयो, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अदल करने वाला है, तो अदल यह नहीं एक बंदा नमाजी है तो भी जन्नत, एक बंदा पापी है बेनमाज वो भी जन्नत, एक ने सारी उम्र शराब नहीं पीती, एक सारी उम्र शराबा नहीं गुजारती वो भी जन्नत। ये अल्लाह के फैसले के खिलाफ है, हाँ अल्लाह की मशीयत है, माफ़ कर दो तो रहमत है कोई नेकी खास वेखे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयो, ये दुनिया फानी है, दुनिया मुक जाने वाली है, वो निजे मुकनी जिंदगी, वो निजे दुनिया आखर आखरत वाली खत्म होनी। जन्नत है तो तद नहीं मुकनी, जे जहन्नम है तो तद निजे मुकनी, जहन्नम दी सख्तियां ते कबर ते दहशत बनियां हैं। अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए, अल्लाह सानू दुनिया उन्नी के दे जिन्ना कि साडा निज़ाम चलता रहे, तो असं तेरी इबादत करते रहिए। अल्लाह फकीर बना बनावी, मुहताज बना बनावी, किसी का गुरबत बना रखी। अल्लाह एतदाल दा जिवे तेरे नबी ने मंगिया, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे अल्लाह मैनू जिंदा रखी, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। दुनिया के मस्कीना नॉर्मल लोगों ना रखी, मौत भी नॉर्मल लोगों ना दवी, तो क्यामत वाल नॉर्मल लोगों ना दवी, बहुता माल इंसान तबाह बर्बाद कर देता। अल्लाह माल ओना वे कि जिद ना दुनिया की इज्जत रह जाए, पेट पालते रहिए, औलाद पाल लीए, कारोबार घर बार चला लीए, और उस माल ते रिज़क दे नाल असी अपनी जान नू जिंदा रख के रिज़क खा के तेरी इबादत करते रहिए। अल्लाह सानू ऐसा बंदा बना के रख। अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान फरमा, खात्मा बिल इस्लाम फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।